रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी हो गया है गिरफ्तारी वारंट। आरोप है युद्ध अपराध। एक तरफ जंग है के मैदान में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट से पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पुतिन को चीन मदद करेगा या नहीं, क्योंकि पुतिन को चीन से उम्मीद है। शी जिनपिंग 20 मार्च को रूस जाने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए पूरे 387 दिन हो चुके हैं। न रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिद छोड़ने को तैयार है और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार है। पश्चिमी देश यूक्रेन को हर मुमकिन मदद पहुंचाकर पुतिन के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसके बावजूद रूस यूक्रेन को तबाह करने पर तुला है। यूरोपीय देशों के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। The International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights. Court ने कहा है कि 24 फरवरी 2022 को रूस के आक्रमण की शुरुआत से यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से अपराध किए गए थे। Well, I think it justified it, but the question is, it's not recognized internationally by us either, but I think it makes a very strong point. क्रेमलिन ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया है। क्रेमलिन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं रखता। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन के खिलाफ इस वारंट का जारी करना सिर्फ एक शुरुआती कदम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को ज़ेलेंस्की ने न्याय बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया। Ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. जंग की शुरुआत के साथ ही ये माना जा रहा था कि पुतिन की आर्मी के सामने ज़ेलेंस्की के जांबाज जल्दी ही घुटने टेक देंगे, लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद भी ऐसा होता दिख नहीं रहा। एक तरफ जंग के मैदान में डटा यूक्रेन पहले से ही पुतिन के लिए टेंशन बना हुआ है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट पुतिन के लिए कोड में खाज जैसा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।